हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान नींद का बहुत महत्व होता है। अगर एक प्रेग्नेंट महिला ठीक से नींद नहीं लेती है तो गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन प्रेगनेंसी में कई तरह के चैलेंजेस भी होते हैं जिस वजह से महिला को नींद कम आती है या नींद खराब आती, स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती। तो अपनी स्लीप क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं, मैटरनिटी या प्रेगनेंसी पिलोज को इस्तेमाल करके किस तरीके से खून के प्रवाह को, अपने बच्चे तक जो खून का प्रवाह जा रहा है, ब्लड फ्लो जा रहा है, उसको कैसे इम्प्रूव करें, स्लीप क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करें ताकि हॉर्मोन्स बहुत अच्छे से बने और बच्चे का विकास गर्भ में बहुत अच्छे से हो, तो हम जानेंगे कि मैटरनिटी पिलो को क्यों यूज करना चाहिए, कब से यूज करना चाहिए, क्या प्रेग्नेंट होते ही मैटरनिटी पिलोज को यूज करना चाहिए, नहीं तो कब से स्टार्ट करना चाहिए और कौन सा पिलो आपको खरीदना चाहिए। क्योंकि जब आप मार्केट में परचेस करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी वैरायटी मालूम पड़ेगी, तो उनमें से आपके लिए कौन सा सही है इसका पता कैसे लगाएं। अगर आप YouTube मॉम को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन हर दिन आपको मिलती रहे। मैटरनिटी पिलो को यूज करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेगनेंसी में महिला को पैरों में, कमर में दर्द बना रहता है। दूसरी बात, सोने की पोजीशन। महिला के सोने की पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। सोने की पोजीशन होनी कैसी चाहिए इस पे मेरा अलग वीडियो है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप सोने की पोजीशन समझ सकते हैं। सोने की पोजीशन सही होना और उसमें आरामदायक तरीके से सो पाने के लिए मैटरनिटी पिलो को यूज किया जाता है और ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो रेगुलर मैट्रेस होते हैं वो प्रेगनेंसी के ख्याल से नहीं बने होते हैं और प्रेगनेंसी में आराम वो नहीं दे पाते। तो प्रेगनेंसी में कंफर्ट कैसे बढ़ाया जाए, नींद की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए जिससे कि हार्मोन अच्छा रहे और बच्चे का विकास अच्छा हो, इसके लिए मैटरनिटी पिलो का आपको यूज करना है। तो देखते हैं कि लाभ क्या क्या मिलते हैं मैटरनिटी पिलो से। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, पहली तिमाही के बाद जैसे जैसे चौथा या पांचवा महीना लगता है, महिला को कमर में और पैरों में काफी दर्द रहता है। कई महिलाओं को शुरुआती प्रेगनेंसी से भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप मैटरनिटी पिलो को यूज करेंगी तो आपकी स्लीप पोजीशन इतनी कंफर्टेबल होगी कि आपका पेन दूर हो जाएगा, और पेन नहीं होगा तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आपका पॉजिटिव मूड यानी कि बच्चे का पॉजिटिव मूड, बच्चे का विकास अच्छा होगा, बच्चे के अंदर तक पॉजिटिविटी जाएगी और आप अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय कर पाएंगी। दूसरा जो लाभ है वो है ब्लड का सर्कुलेशन। गर्भावस्था के दौरान माँ से बच्चे को जो सर्कुलेशन जाता है वो गलत तरीके से सोने पे या पेट पे दबाव पड़ने पे कम हो जाता है और इससे बच्चे की ग्रोथ पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे में हर क्षण, हर मिनट बहुत सारे सेल्स, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स डेवलप हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए और वो केवल माँ से जाने वाले ब्लड फ्लो से मिलता है। तो खून का प्रवाह अच्छा रहे इसलिए आप मैटरनिटी पिलो को यूज करें ताकि आपकी स्लीप पोजिशन कंफर्टेबल हो, नसें दबे नहीं और बच्चे तक पोषण अच्छे से पहुंचता है। जो तीसरा लाभ है वह है स्लीप क्वालिटी। स्लीप क्वालिटी, पूरे आस 7 से 8 घंटे की नींद, अच्छी नींद लेना एक प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत जरूरी है। इससे महिला को एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, पूरा रेस्ट मिलने से वो रिलैक्स होती है, मूड पे प्रभाव पड़ता है, हॉर्मोन पे प्रभाव पड़ता है। तो अच्छी नींद के लिए, क्वालिटी स्लीप के लिए आपको मैटरनिटी पिलो का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैटरनिटी पिलो ना केवल आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प करती है बल्कि डिलीवरी के बाद भी ये आपको ब्रेस्ट फीड कराने में और बेबी को सपोर्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो आप मैटरनिटी पिलो अगर प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो आपको आगे भी लाभ देने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि मैटरनिटी पिलो को कब से इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। हर महिला का शरीर अलग होता है, हर महिला के शरीर में लक्षण अलग होते हैं। तो अगर आपको पेन की और स्लीप क्वालिटी की प्रॉब्लम पहले से है, पहली तिमाही से है, तो आप पहली तिमाही से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 18वीं वीक के बाद से हमको मैटरनिटी पिलो जरूर यूज करना चाहिए और आवश्यकता भी होने लग जाती है क्योंकि बेली का ग्रोथ आने लगता है, तो तब से हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। अब बात आती है कि कौन सा मैटरनिटी पिलो अच्छा है जो हमें खरीदना है, तो ये आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा। कई तरह के, कई शेप के मैटरनिटी पिलो आते हैं, सी शेप के आते हैं, कुशन के टाइप के आते हैं, यू शेप के आते हैं, फुल लेंथ आते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बैक में, लेग में, जिस तरह की भी समस्या है, अपनी समस्या को देखते हुए और उस पिलो की यूटिलिटी को देखते हुए आप उनको परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कई तरह के मैटरनिटी पिलो के लिंक्स हैं, आप वहां से जाके भी उनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफी यूजफुल होगी और आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर पाएंगी। तो इसी तरह बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।